कल रात पुलिस गश्त करते समय टेला मोड़ थाना क्षेत्र का पुलिस फोर्स गश्त कर रहा था, सब इंस्पेक्टर तुलसी निकेतन चौकी इंचार्ज वगैरह सब गश्त कर रहा था। उस समय कुछ महिला ने वहां पे संदिग्ध परिस्थिति में निकली थी और पुलिस उसके देखे तुरंत उसको रोका और तलाशी किया है। तलाशी में उनका हाथ में जो सूटकेस था उससे कुछ डेड बॉडी दिखाई पड़ी थी, वो डेड बॉडी के पुलिस ने तुरंत कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ किया। उन्होंने ये बताया एक व्यक्ति है उनके साथ लिविंग रिलेशन में रहता था, अभी पूरा एड्रेस वेरीफाई कर रहा हम लोग, पूरा बाकी एविडेंस वगैरह इकट्ठा करवा रहे हैं। जो आदमी है उसका परिवार लोग को सूचना पुलिस ने दे दिया है और पुलिस उनका परिवार दिल्ली में वो आ रहा है, उनसे बातचीत करेंगे हम लोग, पता करेंगे। और साथ साथ उस महिला से भी इंट्रोगेशन जारी है, वो उसका क्यों इस तरह घटना किया, वो अकेला की थी और उसके साथ और कोई भी है क्या, वो सब कर रहा है। और घटनास्थल पर पुलिस मौके पर फील्ड यूनिट सब चीज गई है, वहां पे सब चीज वेरीफाई करवा रही है, अभी पूरा हम जांच में जुड़ा है। अभी तुरंत पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दिया, उन्होंने आगे विधिक कार्रवाई कर रहा है और उसका पर्यावरण से कटकर कार्रवाई करेंगे। क्या सर इसमें ये एंगल भी निकल के सामने आ रहा है कि महिला उससे शादी करना चाहती थी, उसके मना करने के बाद महिला ने उसका जगह दे दिया? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन में अभी प्रीलिमिनरी स्टेज है, पूछताछ चल रही है, पूरा हम मोटिव पता करेंगे। उनका जो जो मृतक है उसका परिवार लोग हम आ रहे हैं, उनसे बातचीत करें उनका क्या जानकार है और हाथ की अभी इंक्वायरी चल रही है उसका, आगे हम आगे फर्दर भी हम कल का आपको बताएंगे। और पूरा इन्वेस्टिगेशन का अभी कम्प्लीट नहीं है, उसका आगे भी बताएंगे और उसका मोटिव क्या है, क्यों मारा इसके बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अभी एक घटना गाजियाबाद से आई है जिसमें एक युवती प्रीति ने फिरोज सलमानी नाम के एक मुस्लिम युवक की गले काटकर हत्या कर दी है। तो चलिए इस पर पूरी नजर डालते हैं। फिरोज सलमानी करीब 3 साल से प्रीति शर्मा के साथ लिव इन में रहता था, लेकिन जब शादी की बात आई तो मुकर गया। नाराज प्रीति ने उस तरह से उसका गला काट दिया। घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। रविवार 7 अगस्त 2022 की रात पुलिस ने प्रीति को लाश के साथ गिरफ्तार किया। वह फिरोज की बॉडी सूटकेस में डाल उसे ठिकाने लगाने ऑटो से निकली थी, लेकिन पकड़ी गई। हालांकि हत्या की वजह को लेकर फिलहाल पुलिस खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वह उन परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है जिसकी वजह से यह हत्या हुई। गाजियाबाद के एसएसपी मुनीराज ने सोमवार को बताया, कल रात टीला मोड़ पुलिस गश्त पर थी, उसी दौरान एक महिला के सूटकेस की जांच करने पर लाश मिली। पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह मृतक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। हम मामले की जांच कर रहे हैं, मृतक के परिवार वालों को सूचना दे दी गई है, महिला के साथ मृतक के परिजनों से भी पूछताछ की जाएगी। घटनास्थल पर पुलिस की फील्ड यूनिट भेजी गई है, अभी जांच प्राथमिक चरण में है, लिहाजा हत्या की वजह को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। मिली जानकारी के मुताबिक घटना गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र की है। इसी थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन में रहने वाली 32 साल की प्रीति शर्मा की शादी काफी समय पहले दीपक यादव से हुई थी। विवाद के चलते 3 साल पहले प्रीति पति से अलग हो गई। इसी दौरान उसकी मुलाकात 23 साल के फिरोज सलमानी से हुई। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के संभल जिले का रहने वाला था और एक सैलून में काम करता था। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों लिव इन में रहने लगे। कुछ समय बाद जब प्रीति ने शादी के बाद के लिए कहा तो फिरोज इनकार करने लगा। इसको लेकर आए दिन दोनों में झगड़े होते थे। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के दिन भी दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था। इसी दौरान प्रीति ने फिरोज की गर्दन को उस तरह से रेत दिया। रात के करीब 2 बजे वह एक सूटकेस में लाश डाल गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो से निकली। वह किसी ट्रेन में सूटकेस डाल देना चाहती थी। रास्ते में जब शक के आधार पर ऑटो को रोककर सूटकेस की तलाशी ली गई तो लाश बरामद हुई। पुलिस ने इसके बाद प्रीति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूली है। उस पर आईपीसी की हत्या की धारा 302 और सबूत छिपाने की धारा 201 के तहत कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आपके सामने फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।